बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक ऑफ द वीडियो इज ऑरल पैथोलॉजी, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू कवर। ठीक है, और कौन कौन सी बुक जो है वो पढ़नी है, कंटेम्प्रेरी पढ़नी है, या कौन सी एक एटलस शॉर्ट बुक होती है इसकी, ठीक है, ऑरल पैथोलॉजी की। तो हम इससे डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और किस तरह से इसका जो वो ऑफ का पेपर आता होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कंटेम्प्रेरी बुक है जो कि हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है, हर टीचर जो है यही बुक मोस्टली पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बुक जो है वो आपने बाय करनी है, इसको आपने याद करना है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर्स जो आ जाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं हमें पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास चैप्टर्स, ठीक है, कुछ जो हमारे पास थे ना वेबसाइट्स, ठीक है, उनमें उन्होंने कहा होता कि टॉस जो चेंज हो गया। ठीक है, सो टॉस जो वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट टाइम का पेपर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो हमारे पास पहला टॉस था उसी के अकॉर्डिंग पेपर आ रहा होता है। और टॉस के रिलेटेड एक ही भी बात है कि जो हमारे पास आ जाता होता है कि जो US की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी टॉस किसी भी सब्जेक्ट का अपलोडेड नहीं है सिवाय फार्माकोलॉजी के। ठीक है, सो अगर आप लोग जो है वो देखें तो कोई भी टॉस नहीं है। ठीक है, तो जो टॉस आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोडेड है, पहले वाला 2017 वाला, सॉरी 2007 वाला, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। और लेकिन जो पढ़ना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे लेकिन टू द पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने डिटेल नहीं जो है वो इतनी इनकी याद नहीं करनी। थर्ड ईयर में आपने सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट आपको डायग्नोसिस लगाना चाहिए। जैसे कि आप ओरल पैथोलॉजी है तो आपको हिस्टोपैथोलॉजी इसका बताना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं हम आगे भी देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये काजेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जो मैं वैसे भी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आपको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो इसकी टॉपिक्स की कर लेते हैं। हमारे पास इसके 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है, 7, 8, 11, 12 और फिर 9। इस सीक्वेंस में आपने जब अपनी रिवीजन करनी है, तो ये कॉलेज में तो आप लोग अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन जब लास्ट पर आपने रिवीजन करनी है तो आपने केवल जो चैप्टर्स हैं उनको इस सीक्वेंस के साथ आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास जो है इसका लास्ट वाला पेपर देखें जो इस ईयर आया हुआ है, या तो उसमें भी हमारे पास आई सिंपल चीज़ें थी लेकिन क्रिटिकल आई थी। लाइक जब आप एग्जाम में इस तरह से पहले ही जाते हैं आप करते हो तो आपको वहाँ पे माइंड की जरूरत है, मतलब अगर आपका दिमाग चल गया तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं चला, आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो फिर जो है वो दस पेपर ख़राब हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसलिए आपने चीज़ों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि किसी भी तरीके का अगर उस टॉपिक में से पेपर आ जाए तो वो आपको पता हो। ठीक है, वो मैं आपको पेपर दिखाती हूँ किस तरह से पेपर आया हुआ था। मैं वीडियो के लास्ट पर जो है वो आपको पेपर शेयर करूँगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये टॉस मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो कंप्रेस्ड हुई हुई है। ठीक है, लेकिन देखते आपको दिखाऊंगे इसमें हमारे पास ये जो टॉस, ठीक है, ये मैंने टॉस लिखा हुआ है, आपने इस टॉस को फॉलो करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाले आपने इस तरह से इस टॉस को फॉलो करना है। ठीक है, ये वाला जो है 1-1 जो लिखा हुआ है इसको नहीं आपने देखना, ये वाले को देखते हैं। 1-1 जो है न्यू टॉस कुछ वेबसाइट्स पे अपलोड हुआ था, उनके अकॉर्डिंग ये 1-1 था कि एक ही क्वेश्चन सब में से आएगा, लेकिन आपने ये वाला जो मैंने ब्लू के साथ लिखा हुआ है इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें और इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हमने पढ़ना किस तरह से ओरल पैथोलॉजी को। ठीक है, तो इसमें सारे चैप्टर्स जो है वो अपने कंटेम्प्रेरी से जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अब चैप्टर नंबर 1 की मैंने आपको कहा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसके बाद अगर सिस्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 1 के बारे में जो मैंने आपको बता दिया वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जो स्पोन है वो बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें से तकरीबन लास्ट टाइम जो है वो 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 शायद आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अपने बोन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, उसको स्किप नहीं करना। सिस्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आपने जो चीज़ याद करने वाली होती है जो आ जाती है फर्स्ट वाले में, तो एनोमलीज आपकी आ जाती है, सिंड्रोम्स वगैरह आ जाते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका सिस्ट वाला, उसमें से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आते होते हैं बहुत दफ़ा पेपर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, यहाँ पे इनको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इनको अपने तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, एडिशनल की टर्म्स, ठीक है, इनकी आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, पेपर में जो है इनकी डेफिनेशंस कभी कभी पूछ ली जाती हैं, या कभी कभी आपको जो है वो आ जाता होता है इसमें वाइवा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे नोवल बेसल सेल कार्सिनोमा है, इसके बारे में पूछा जाता है, रेजिडुअल सिस्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये ग्लोबुलोमेरुलर रेडुलेंसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, रप्चर हेमाटोमा के बारे में पूछा जाता है। तो ये वाली जो एडिशनल टर्म्स हैं, इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। आप यहाँ पर भी
आगे जो है वो लिख सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ बुक चैप्टर के अंदर से आपने प्रिपेयर करनी होती है, उसमें ये जो हमारे पास ब्लू टेबल्स हैं इसके, इनको आपने स्किप नहीं करना होता, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। जितने भी ब्लू टेबल्स हैं ये सारे आपको आने चाहिए, हर टॉपिक के ब्लू टेबल्स जो है वो आपने पहले नंबर पर याद करने हैं। सेकेंडली जो चीज़ आपने याद करनी होती है वो डायग्राम के, आपको हिस्टोपैथोलॉजी बतानी चाहिए। लास्ट टाइम हिस्टोपैथोलॉजी तकरीबन हर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में पूछी गई थी। रेडियोग्राफी टीचर्स जो है वो उन्होंने क्वेश्चन का स्नैरियो बना कर पूछ लिए थे, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है कि ग्लोबल मैक्सिलरी रेडियोलेंसी है, ठीक है, तो ये किसमें है, तो आपको बताना चाहिए पेरिएपिकल सिस्ट में। उसके बाद उन्होंने कहा कि और इसकी आप हिस्टोपैथोलॉजी बता दें। अब रेडियोग्राफिकल फीचर्स उन्होंने क्वेश्चन में दे दिए हैं, ठीक है, और आपने इसका जो पेरिएपिकल सिस्ट है डायग्नोसिस में बता दिया, ठीक है, और साथ में उसने तीसरा पॉइंट जो पूछ लिया वो इसकी पूछ ली हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में मेन चीज़ जो आपने याद करनी होती है अपनी बुक से, बेशक यहाँ से भी आप पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इजी लिखा होता है कि आपने डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है, जैसे कि इस आपको पॉइंट याद रह जाता है कि क्या चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि रेस्टिंग बॉडीज थी, ये मैंने इसकी बुक के अंदर जो लाइन लिखी हुई हुई है पैराग्राफ के अंदर, उन्हीं को मैंने पॉइंट्स में यहाँ पर लिखी, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं साथ साथ आपको सारी मार्किंग्स जो है इंशाल्लाह ताला करवाती रहूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि आपको कॉलेज में कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज जो अपलोड करूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए कॉलेज के साथ साथ इसको भी पढ़ते जाएँ, ठीक है। इसमें हमारे पास इंफ्लेमेटरी इन्फ्लेटरी सेल्स होते हैं, ह्यूमन कंटेंट प्रोटीनियस फ्लूइड होते हैं, नेक्रोटिक सेल डेब्रिस होती हैं, रेस्टिंग बॉडीज। आप ये 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स भी लिख देते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह के पॉइंट्स याद रखने हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना, सिर्फ उस तरह के पॉइंट्स याद करने हैं जो कि आपके पेपर में आपको हेल्प करें, ठीक है। जैसे आपके MCQs भी कवर हो जाए और आपका SCQ भी कवर हो जाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको आपने स्किप कर देना, ठीक है, तो जस्ट एक गो थ्रू करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में 3-4 चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है, वो मोस्टली आपके क्लिनिकल फीचर्स आपके ये ब्लू बॉक्स में ही कवर हो जाते होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक जैसे कि आपके पास आ जाते हैं कि इसमें से हमने क्लिनिकल फीचर्स में आपने देखना होता है कि कॉमनली होती किधर है, ठीक है, इनकी जो साइट है वो किधर है, जैसे इनकी अनइरप्टेड मैंडिबुलर्स में जो है वो या मैक्सिली में कॉमन होती है, ठीक है। उसके बाद इसके हम लोगों ने एज देखना होता है, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में। उसके बाद देखना होता है कि सिम्टोमेटिक है एसिम्टोमेटिक है, ठीक है, एंड देन हमारे पास इम्पैक्टेड टूथ में है, अनइरप्टेड टूथ में यानी कि है, या फिर हमारे पास इरप्टेड टूथ में है या इम्बेडेड टूथ में, मतलब कौन से टूथ के साथ ये ज़्यादा इरप्टेड होती है, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ें हमारे पास बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको बतानी चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान जो होता है ना इसका, वो कुछ कुछ मतलब पेपर में कभी आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ट्रीटमेंट में जो अपनी चीज़ मेनली याद रखनी होती है, जैसे कि हमारे पास हर टॉपिक ये हो जाएगी लाइक अब हमारे पास सिस्ट है जितने भी उनकी, मोस्टली हमारे पास इन्यूक्रिएशन मार्सोपलाइजेशन होती है, ठीक है, या फिर रेयर केसेस में, ठीक है, मोस्टली जो है वो यही बताई जाती है इन्यूक्रिएशन कर देनी है या फिर रेयर केसेस में। इन्यूक्रिएशन क्या है और मार्सोपलाइजेशन क्या है ये भी जब मैं आपको सिस्ट वाला चैप्टर करवाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि मार्सोपलाइजेशन हमें कौन कौन से में करनी है, इन्यूक्रिएशन हमें कौन कौन से सिस्टम में करनी है, ठीक है, या सर्जिकल इन्यूक्रिएशन वगैरह, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्यूरिटाज भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह के टेबल्स याद करने हैं, टेबल्स आपने मस्त याद करने हैं, टेबल्स जितने भी हैं उनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, टेबल आपने करने करने हैं। और बाकी जो मेन चीज़ें हो जाएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी पूरी बुक के, ठीक है, मतलब कि चैप्टर वाइज मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊँगी, ठीक है। डायग्राम्स कौन सी करनी है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है, जिस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर देना है और क्लास में शेयर कर देना है, और जो भी आपको वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने उन्हें बता दीजिए को प्रिपेयर करना है, ठीक है, सारा सारा याद नहीं करना। और कुछ चीज़ें लाइक जैसे कि हमारे पास केरीज वाला चैप्टर है वो शुरू कहते हैं कि दूसरी बुक के वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है यहाँ से ही कवर हो जाता है, साथ में आप पास पेपर्स करेंगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।